अगर किसी को मंदिर जाने से सुकून मिलता, हम तो पहले तो यही कह रहे हैं भाई मंदिर क्यों जाया जाए, नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मंदिर से बेहतर है कि आप स्कूल जाइए, कॉलेज जाइए और वहां से जाकर के आप अपने आप को आज़ाद कीजिए इस मानसिक गुलामी से। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अभी तक इस स्टेज में नहीं है, वो अपने आप को मेंटली लायक तैयार नहीं करवा पाया है, तो अगर वो जा रहा है तो भी। नमस्कार, भोजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ पूजा। राजस्थान से जिस तरह हर रोज़ लगभग एक जैसी जो खबरें सामने आ रही हैं, जिस तरीके से जातिवाद को वहाँ हथियार बनाया जा रहा है दलितों को दबाने और उनके अधिकारों को उनसे छीनने के लिए, आम आदमियों की तो क्या ही बात करें हम, जो सरकारी पदों पर जो अफसर हैं, सिपाही और कांस्टेबल जैसे लोग भी, वो भी मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकते, अपनी शादियों में घोड़े पर नहीं चढ़ सकते, पूरी व्यवस्था के साथ भी उन्हें इस सुविधा को घोड़े पर नहीं चढ़ने दिया जाता। जातिवादी जो लोग हैं, जो जातिवादी मानसिकता के जो लोग हैं, उनकी जो मानसिकता है वो किस तरीके से हावी है आज भी आज़ादी के 75 सालों के बाद भी, ये इस बात को दर्शाता है। मेरे साथ इस वक्त जितेंद्र मीना जी हैं, प्रोफेसर हैं और राजस्थान से बिलोंग करते हैं। सर, आप तो आप बेहतर तरीके से हमें इन चीज़ों को समझा सकते हैं कि आखिर राजस्थान में इस तरीके की मानसिकता इतनी तेज़ी के साथ क्यों उभर कर आ रही है, क्यों पनप रही है? देखिए, पहली बात तो ये कि ये पहली दफ़ा नहीं उभर करके आ रहे, दरअसल आप तक न्यूज़ पहली दफ़ा पहुंच रही है, ये बहुत लंबा सिलसिला है। राजस्थान आज़ादी के समय तक जो है सामंती स्टेट रहा है, रियासतें रही है, तो वहाँ पर जो रिफॉर्म होना चाहिए था वो आज़ादी के बाद भी नहीं हुआ। और इसीलिए हम लोग देखते हैं कि पुलिस प्रशासन हो या सरकारों में भी इसी तरीके के लोगों का दबदबा रहा, लिहाजा हुआ ये कि ऐसे केसेज को शुरुआत में ही दबा दिया जाता है, तो उनकी आवाज़ बाहर निकल ही नहीं पाती थी। अब यह हो ये रहा है कि पिछले कुछ वर्षों में जिस तरीके सोशल मीडिया और पैरेलल मीडिया खड़ा हुआ है, उसकी वजह से उनकी आवाज़ें आप तक आने लगी। आप जब कह रहे हैं कि जालौर का जो केस का जिक्र कर रहे हैं, जहां पर पुजारी ने एक दलित जोड़े को मंदिर में घुसने से रोक दिया, वहीं उससे पहले आप 14 जो है अप्रैल का देखेंगे कि भरतपुर के भीतर एक पूरा का पूरा गांव, जिसमें कि दलितों की बड़ी खासी आबादी थी, उस पर ऊपर भी पथराव हुआ जब अम्बेडकर जयंती वो मना रहे थे। उससे पहले हम लोगों ने देखा कि जितेंद्र मेघवाल का केस पाली में देखा, उसी के साथ साथ उसी हिस्से में हम लोगों ने देखा कि एक IPS ऑफिसर, जिसको कि अपनी बारात घोड़ी पर बैठ करके निकालनी थी, जिस सेना के सिपाही की, और आप कांस्टेबल की बात करें, मैं आपको IPS की बात कर रहा हूँ, कि IPS ऑफिसर को जब आपके उनकी अपनी बारात घोड़ी पर निकालनी थी, तब उनको भी रोक दिया गया, उन्हें भी अपनी प्रोटेक्शन के लिए पुलिस बुलानी पड़ी। तो ये राजस्थान में बहुत ही कॉमन है। अब ये चीज़ें निकल कर के आ रही हैं, तो वो जब आप डेटा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दलितों के साथ उत्पीड़न का मामला हो, चाहे महिलाओं के साथ हो, चाहे आदिवासियों के साथ उत्पीड़न का मामला हो, उसमें राजस्थान टॉप पर है। अब इसमें राजस्थान सरकार, हम लोग देखें, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, वो लगातार फेल रही, बिकॉज आपका एडमिन से लेकर के आपका जहां भी आप देखेंगे तो उन्हीं फ्यूडल जो लोग हैं, जो सामंती लोग हैं, चाहे उसमें किसी भी जाति के आप लोगों को ले लीजिए, वो सब लोगों का उसमें कब्जा है। लिहाजा दलितों के साथ, महिलाओं के साथ, आदिवासियों के साथ न्याय हो ही नहीं पाता है। तो ये एक मोटा मोटी परिदृश्य हम लोगों को देखने को मिलेगा। कल ही हम देखते हैं कि कल जयपुर से एक महिला एक बस में चली और लालसोट में आकर के वो बस से उतरती है, और देखते हैं कि 5 मिनट बाद वो गायब हो जाती है वो महिला, आज उसकी डेड बॉडी मिलती है रेप के बाद उसकी। तो ये जो घटनाएं हैं महिलाओं को लेकर के, आदिवासियों को लेकर के, ये लगातार दिनों दिन बढ़ती जा रही है, मतलब इनका रिपोर्टिंग बढ़ती जा रही है, लेकिन पुलिस हो या हमारी सरकार हो राजस्थान की, वो इस मामले में कम्प्लीटली फेल रही। सर, इससे रिलेटेड, इसी जालौर की घटना से रिलेटेड एक सवाल है। मीना कोटवाल पत्रकार हैं, उन्होंने एक सवाल किया कि 75 सालों की आज़ादी के बाद भी ये हाल तब है जब बाबा साहेब का संविधान लागू है, अगर यहाँ मनुस्मृति होती तो क्या हालत होती, आप सोच लीजिए। वाजिब सवाल है, लेकिन इस सवाल पर बुलंदशहर की जो पुलिस है उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि ये जो आपका ट्वीट है इसको जल्द से जल्द डिलीट करिए, क्योंकि ये लोगों को भड़काने वाला है। और उसी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि साक्षी महाराज, वो कहते हैं कि पुलिस पर भरोसा मत करो, अपने घरों में हथियार रखो और खुद के धर्म को बचाने की तैयारी कर लो। अब पुलिस इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती, तो इससे क्या समझ में आता है आपको, कैसे लगता है कि जो कार्यशैली है वो किस दिशा की ओर बढ़ रही है? देखिए, आप सिर्फ UP पुलिस का ही मामला नहीं, इस देश की पूरी पुलिस को ले लीजिए, या मशीनरी को, अगर आप सरकारी मशीनरी को लेंगे तो पता चलेगा कि वो हाईली कम्युनल और हाईली कास्टिस्ट है।
उमर खालिद के केस में अभी जो सुनवाई हुई थी तो उसमें भी इसी तरीके का कहा गया था, जिस भाषण के ऊपर उमर का ऊपर केस चल रहा है उस भाषण में लगातार उमर संविधान की बात कर रहे हैं, लेकिन जब उसकी इंटरप्रिटेशन की गई है तो कहा गया कि आप संविधान के नाम पर उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप सोचिए अगर जुडिशरी और पुलिस इस तरीके से काम करना शुरू करे कि आप संविधान के नाम पर उकसाने की कोशिश कर रहे हैं और जो खुलेआम मुसलमानों को, दलितों को, आदिवासियों को लिंच करने की बात कर रहे हैं, वो हथियार प्रोवाइड करने की बात, उनके लिए पुलिस प्रशासन हम लोग देखेंगे तो पता चलेगा कि सील्ड बन करके खड़ा हुआ। तो ऐसे में ये हमारे लिए बहुत ही बहुत प्राउड फील करने वाली बात नहीं है, हमारे लिए बहुत दुख की बात है कि आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी इस देश में संविधान के लागू हो जाने के बावजूद भी पुलिस और प्रशासन के लोग जो है एक पार्टी के कारिंदों की भांति, कार्यकर्ताओं की भांति जो है काम कर रहे हैं। और इससे ज़्यादा दुखद कुछ नहीं हो सकता है कि अगर कोई स्टेट की पूरी मशीनरी ही कम्युनल हो जाए, कोई पूरा का पूरा वो कास्टिस्ट मशीनरी हो जाए, तो ये डेमोक्रेसी के लिए, हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है जी। अगर हम वापस आए राजस्थान पर, राजस्थान की घटनाओं को जो क्रम में हो रही हैं लगातार उनको देखें, तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की सरकार, क्योंकि वहाँ कांग्रेस और बीजेपी में आपस में चलती रहती है, क्या तो कभी सत्ता में कांग्रेस या बीजेपी, ऐसे में कांग्रेस ने भी इस तरह की जो घटनाएं हुई उन पर कोई सख्त कदम नहीं उठाया, कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की है जिसको देखकर आगे ऐसी घटनाएं ना हो, तो कितना जिम्मेदार मानते हैं आप कांग्रेस को इसके लिए? और साथ ही वो लोग जिन पर ये घटनाएं हो रही हैं वो एकजुट होकर जब इसके खिलाफ नहीं आते तो क्या वो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं? नहीं, देखिए एक चीज़ यह है कि मेरा मानना है कि सरकार इसके लिए जिम्मेदार है पूरी तरीके से, सरकार और प्रशासन। सरकार का काम होता है कि लोगों के बीच में अपने लिए एक भरोसा कायम करे। राजस्थान की सरकार, चाहे वो कांग्रेस की रही हो चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, वो लोगों के बीच में अपना इकबाल जो है वो ख़त्म कर चुके, वो भरोसा जो है वो कभी जीत नहीं पाई। ये पॉलिटिकल गेम होता है, पॉलिटिकल गेम में वो जीत जाते हैं, ये सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे वो कभी भाजपा जीतती है कभी कांग्रेस जीतती है, और पिछले 30 सालों से ये हम लोग देख रहे हैं। लेकिन उनके ऊपर लोगों का भरोसा नहीं है, वो इसलिए नहीं है कि लोग अभी वोट दे रहे हैं क्योंकि विकल्प नहीं होता है, और जिन लोगों को वोट दिया जाता है बाद में पता चलता है कि उनको जोड़ तोड़ करके इधर से उधर शिफ्टिंग हो जाती है। और लगातार हम लोग पिछले 20 साल से यही देख रहे हैं कि कभी किस पार्टी से लोग आते हैं, वो दूसरे में जा कर के शामिल हो जा रहे हैं। तो ऐसे में वो विकल्प का अभाव जरूर है, लेकिन लोग उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम फेल किया है, पॉलिटिकल पार्टीज फेल की हैं। तो वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर ये जवाबदेही बनती थी कि वो इस तरीके के फेलियर को किस तरीके से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। लेकिन हाँ, राजस्थान की सरकार, चाहे कांग्रेस की सरकार हो बीजेपी को, दोनों इस मामले में कम्प्लीटली फेल रही हैं जी। दलित समाज के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रबुद्ध लोग हैं जिन्होंने एक मकाम हासिल कर लिया है, उनका ये कहना है कि मंदिर जाना आखिर आपको ज़रूरत क्यों है, घोड़ी पर आपको चढ़ना ज़रूरी क्यों है? आप, हमने देखा था कि एक दलित व्यक्ति ने हेलीकॉप्टर उतार दिया था शादी के लिए, तो अगर आप हेलीकॉप्टर पर चढ़ सकते हैं, आप बड़ी बड़ी गाड़ियां अफोर्ड कर सकते हैं, तो आपको घोड़ी पर ही क्यों चढ़ना है और क्यों अपनी बेइज्जती करानी है? ये भी एक सवाल उठकर आता है उन लोगों की ओर से। नहीं, मेरा दूसरा मानना है, घोड़ी जो है वो किसी एक खास कास्ट का तो प्रिविलेज नहीं है, घोड़ी पहले भी लोग सवारी के लिए इस्तेमाल करते रहे, आज अगर किसी को घोड़ी का इस्तेमाल अपनी सवारी के लिए करना है, अपनी बारात के लिए करना है, तो किसी को क्या ऑब्जेक्शन है? घोड़ी का किसी जात से क्या लेना देना? कोई लेना देना नहीं है। अब अगर ज़बरदस्ती घोड़ी के ऊपर किसी जात की जिम्मेदारी लाद दी जाए तो ये तो उन लोगों की गलती है जो घोड़ी के ऊपर जिम्मेदारी लाद रहे हैं, घोड़ी का इसमें कोई दोष नहीं है, और उन लोगों का भी कोई दोष नहीं है जो घोड़ी पर बैठना चाहते हैं। भाई वो अफोर्ड कर सकते तो वो बैठ रहे हैं, किसी का प्रिविलेज नहीं है। इसके पीछे की साइकी को जब आप समझेंगे तो मैं आपको बताऊं कि घोड़ी, गहना, अच्छे कपड़े, अच्छे खाना, मूछ हैं, ये आज़ादी से पहले तक देखें तो खास करके राजपूतों के डोमेन में होता था, ये प्रेस्टीज का मसला माना जाता था। अब लोगों के बीच में असर्शन आ रहा है, लोग उसे अपनी प्रेस्टीज का मसला मान के चलते हैं। जितेंद्र मेघवाल शानदार मूछे रखता था, ये उसके लिए प्राउड की बात है, ये हो सकता है बाकी किसी के लिए महत्व ना रखता हो, किसी दूसरे व्यक्ति को घोड़ी पे बैठ करके चलना अच्छा लगता है तो ये उसके लिए प्राउड की बात हो सकती है, लेकिन इसमें हमारी कोई गलती नहीं है या उस तीसरे आदमी को कोई इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे ये करते हैं तो ये दरअसल उनकी जो फ्यूडल मेंटेलिटी है उसको रिप्रेजेंट करता है, और इसमें दलितों का कोई दोष नहीं। अगर किसी को मंदिर जाने से सुकून मिलता, हम तो पहले तो यही कह रहे भाई मंदिर क्यों जाया जाए, नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मंदिर से बेहतर है कि आप स्कूल जाइए, कॉलेज जाइए, और वहाँ से जाकर के आप अपने आप को आज़ाद कीजिए इस मानसिक गुलामी से। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अभी तक इस स्टेज में नहीं है, वो अपने आप को मेंटली लायक तैयार नहीं करवा पाया है, तो अगर वो जा रहा है तो भी ये किसी का हक नहीं है कि उसको रोक दे।
क्योंकि अगर जो लोग अपने हिंदू धर्म की व्याख्या करते हैं, जो हिंदुत्व के ठेकेदार बनकर के बैठते हैं, वो जब ये मानते हैं कि ईश्वर सब लोगों का है, तो फिर ईश्वर किसी खास जाति विशेष से इतनी नफरत नहीं कर सकता। अगर वो नफरत कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि आप जो पूरा का पूरा हिंदुत्व के नाम पर प्रोपोगेंडा चलाए हुए, वो आपका प्रोपोगेंडा झूठा है। आप जो है झूठ की एक जो है पूरी की पूरी एक कल्चरल पॉलिटिक्स करते आ रहे हैं। अगर किसी ईश्वर को किसी दलित के एंट्री से वो अपवित्र हो जा रहा है, तो वो ईश्वर और वो लोग सिर्फ उन लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए मेरा ये मानना है कि अगर कोई व्यक्ति जाना चाहता है तो जाने देना चाहिए, लेकिन कोशिश करे कि उसकी बजाय वो स्कूल और कॉलेजों की तरफ जाए। एक अहम सवाल और ये भी है कि अगर हिंदू राष्ट्र का जो सपना है, जो लोग भी देखते हैं, अगर वो साकार होता है तो क्या दलित घोड़ी पर बैठ सकते हैं? तब क्या उनको ये अधिकार होगा कि वो मंदिरों में जा सकते हैं? तब वो क्या समान होंगे, हिंदू कहलाएंगे? 1940 में बाबा साहब ने एक किताब लिखी थी पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया के नाम से, और उसमें हिंदू राष्ट्र के बारे में उन्होंने कहा था कि अगर हिंदू राष्ट्र जैसी संकल्पना जो लोग पाले बैठे, अगर वो साकार होती है, तो इस देश की डेमोक्रेसी के लिए, इस देश के लोकतांत्रिक ढांचे के लिए, इस देश के जो डाइवर्सिटी है उसके लिए बहुत खतरनाक होगी, उसके लिए बहुत खतरा होगी। इसीलिए इस कल्पना को कभी साकार नहीं होने देना चाहिए, या ये कल्पना कभी साकार नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे में अगर आप कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र जैसी कल्पना आती है, तो वो जाहिर सी बात है कि महिला हो, दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़े तबके हो, उनको वापस उसी जगह पर ढकेल देगी जहां पर मनुश्रुति में लिखा गया है, जहां आपके वेदों में पढ़ने पर जो है कानों में सीसा डाल दिया जाएगा, जहां आपके किसी ईश्वर को देख लेने से वो ईश्वर अपवित्र हो सकता है, आपकी छाया से कोई एक जात विशेष के लोग अपवित्र हो सकते हैं। तो अगर ऐसी संकल्पना सही साबित होती है, तो ये वापस ये देश के लिए इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं होगा। लेकिन हम जानते हैं कि इस देश के लोग संविधान में विश्वास करते हैं, उसके मूल्यों में विश्वास करते हैं, तो हमें विश्वास है इस देश के लोगों पर कि वो इस संविधान के रास्ते पर जो है आगे बढ़ेंगे। जी, थैंक यू सो मच सर। हालांकि मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जो पुरोहित, जो पंडित थे जिन्होंने रोका था, उस दंपति को उनके ऊपर SC ST एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है और उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है, तो कानूनी प्रक्रिया जो है वो जारी है। थैंक यू सो मच सर।